You should be as sometimes as a presenter. Or you are a presenter, but as an event. सर आज के इवेंट के बारे में बताइए. देखिए जहां तक आज के इस इवेंट का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इसको ज्यादा मैंने इसलिए लाइक किया कि ये ड्रग्स के खिलाफ है और मुझे भी बहुत अच्छी तरह मौका मिला शराब के खिलाफ बोलने का. बिकॉज यहां से मैं पहले से कह रहा हूं, मैं तो एक सूफी फिलॉसफी जो कश्मीर में तकरीबन 90% लोग जो इसको मानते हैं, आस्थानों पे जाते हैं, बुलबुल साहब के पास जाते हैं, हमारे शेखुल आलम के पास जाते हैं, हमारे खानखा में जाते हैं, अमीर कबीर के पास. उन्होंने जब यहाँ पे निजाम सूफियत, जब यहाँ के बादशाह हजरत रंजन सदरुद्दीन रंजन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने पहली जो मुर्शिद की बात सुनी वो ये थी कि यहाँ शराब बंद करो, कश्मीर और शराब आपस में मिल नहीं सकता. तो उन्होंने शराब भी बंद की, उस वक्त दो मटकों में शराब बना दी, चाय नहीं पीते थे वो, घर में शराब बनाते थे और शराब पी के मस्त हो जाते थे. लेकिन जब हमारे सूफी दरवेश आए, सूफी दरवेश ने कहा कि कश्मीर की तबाही का बाइस ही शराब है. और वही आज के इस प्रोग्राम में जो यूथ ने किया, उसमें इन्होंने अपने प्रोग्राम भी दिए, कुछ बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम दिए, लेकिन एक मैसेज बहुत ही क्लियर थी. मैं खुद खुश हूँ इस वक्त हमारे साथ ये फाजिल साहब भी है. तो इरफान फाजली को मैं बचपन से जानता हूँ, लाइक माय सन, क्योंकि उस वक्त भी जब हमने पहले बहुत हालात बहुत खराब थे, हमने जो पहली फंक्शन की वहाँ SKIC, उस वक्त तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था यूथ में ये फंक्शंस करने का, लेकिन हमने भी उस वक्त शराब के खिलाफ की, वो प्रोग्राम ही था शराब और ड्रग के खिलाफ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर लोग समझते नहीं है कि हमें किस चीज को स्टॉप करना चाहिए. अगर यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे बंद कर दी है, जो बैन किए, लेकिन बैन के बगैर यहाँ NRK का फायदा उठाकर, हालात का फायदा उठाकर शराब के खाने चलते हैं, कहते हैं कि हालात खराब है, हम इनको बंद नहीं कर सकते. अरे क्यों नहीं कर सकते हम बंद? इसका मतलब है आप कश्मीर को, यहाँ के यूथ को एक गलत राहों पे लेना चाहते हैं, आप गलत उनको ड्रग पे लेना चाहते हैं, आप इनको 4-5 बच्चों को आप गलत पेंट करते हो और सारी दुनिया को बताते हो कि कश्मीर ऐसा है ऐसा है. कश्मीर को अगर बचाना है, कश्मीर को हमारे यूथ बचा सकते हैं. जो पुरानी नस्लें हैं, ये मुझे नहीं लग रहा है कि हमारी नस्लों ने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया. मैं खुद एज अ राइटर, मेरी दो किताबें कल ग्लोबल अवार्ड में आ गई, वर्ल्ड के फेमस अवार्ड में आ, बट मैं आपके सामने एतराफ करता हूँ बहस ऑथर बहस राइटर कि यहाँ के स्कॉलर्स इंटेलेक्चुअल्स तो कश्मीर की तहजीब और इसके तमद्दुन को बचाने में नाकाम हो गए. ये मैं पूरी, और अगर बचाएंगे हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन जो हमारे बुलबुल साहब ने दिया, जो हमारे अमीर कबीर ने दिया, जो गौसुल आजम ने दिया, जो हमारे चार शरीफ ने दिया, हमारे नुंदरिश ने दिया, जो हमारे लौदत ने दिया, वो नई जनरेशन. मैं देख रहा हूँ नए बच्चों में, परसों मुझे एक मिला, उसको लौदत के वाक जबानी याद है. ये मेरे साथ मुदसर थे उस वक्त, जिसने जबानी सचकाल सुनाया उन्होंने, मुझे उन्होंने सुनाया, छोटे बच्चों ने जो बड़े वेल एजुकेटेड बेंगलोर से पढ़ के आए प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने मुझे शेखुल आलम के शुरुक सुनाए. तो मुझे लग रहा है कि नई जनरेशन अब इस चीज को बहुत पसंद करती है, तो अल्लाह ताला करे कि इनको आगे बढ़ने का मौका मिले और हम भी साथ है इसके साथ. इनिशिएटिव के आजकल का जो नौजवान है वो इस तरीके के इनिशिएटिव्स ले रहा है, खुसूस ड्रग को लेकर सोसाइटी में, जिससे कि काफी तबाही मच चुकी है. और एक यंगस्टर्स जो है खुसूसन जो इस चीज के साथ काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अब वही लोग जो है एक मैसेज दे रहे हैं खुसूसन आजकल के नौजवान को कि इससे बचे. और इस पर उन्होंने काफी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग दिखाई है, खुसूसन कुछ प्लेज मैंने देखे जिसमें एक मैसेज भी गई.
تو سوسائٹی کے ساتھ ساتھ اگر ہم وادی کشمیر کی بات کریں جس میں تمدن تہذیب ثقافت ہے اور ایک ورثہ ہے جس میں ہے, تو میں چاہوں گا کہ ڈیفینیٹلی آپ کے میڈیم کے مادھیم کے تھرو یہ میسج جو ہے آل اوور ورلڈ تک جائے کہ خصوصاً کشمیر میں جو ورثہ ہے یہ بچنا چاہیے اور ریاستی جموں کشمیر کے جتنے بھی فرد ہیں خصوصاً وادی کشمیر کا جو پود ہے ان پر یہ ذمہ داری عائم ہوتی ہے کہ آنے والے دور میں انہیں قوم سنبھالنا ہے, اور اس طرح کی میسج اگر آگے جائے گی تو ریاستی جموں کشمیر کا فیوچر جو ہوگا خصوصاً بہت اچھا ہوگا اور نشے کو لے کر ایک اچھا چھٹکارا ملے گا. یوں ملتا کئی تو سنو